अब्दुल्ला क्या हो रहा है? चाय बना रहा हूँ, और क्या हो रहा है? ये चाय केती का रंग भी काला है और चाय का रंग भी काला है। इससे तो बेहतर था अगर कश्मीरी चाय बना लेते, कम से कम रंग में तो फर्क आ जाता। कश्मीरी चाय बनाता तो चाय लाल हो जाती खान साहब, रमसायों को पिलानी पड़ती। सही बोलता है यार, उन कतरियों ने पूरा वादी को लाल कर दिया है। वैसे एक बात है यार, वो तक गए ये नहीं तकते, वो सोचते होंगे कश्मीरी इतना सख्त जान क्यों है। सरदार साहब जी, सर ये हम सब की तरफ से अब्दुल्ला सिपाही को दे दें। वो ठीक है, लेकिन अभी तक उसकी छुट्टी मंजूर नहीं हुई है। सर बहन का मामला है, अकेला भाई है, घर में कोई और मर्द भी नहीं है, कौन संभालेगा? सरदार साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर अस्सलाम। सर छुट्टी का कुछ हुआ? फिक्र ना करो, ये लिफाफा पकड़ो, इसमें तुम्हारी बहन की शादी के लिए पोस्ट वालों की तरफ से तोहफा है। शुक्रिया सर। सर आए चाय पिए? नहीं अभी नहीं, आपको पता है ना कप्तान साहब का ताज़ा ताज़ा निकाह हुआ है, तो पहले उनको बुलाते हैं, फिर चाय भी पियेंगे और हल्ला गुल्ला भी होगा। सर सुबेदार साहब, सर एक बात का समझ नहीं आता है, जब से कप्तान साहब का निकाह हुआ चुप चुप रहते हैं और कमरे में रहते हैं, हमारी तरफ तो जब निकाह होता है ना सर, तीन तीन दिन फायरिंग ही नहीं रुकती है, कभी कभार रॉकेट लॉन्चर भी चल जाती है। इनका हिसाब थोड़ा मुख्तलिफ होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सोफिस्टिकेटेड। सर ये जो सोफिस्टिकेटेड है, इसका क्या मतलब है? क्या अलग गुला नहीं होना चाहिए? मैं अभी कप्तान साहब को बुलाता हूँ। जी सर। फिर खुद ही उनसे पूछ लेना, ठीक है? जी सर। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी साहब क्या सिचुएशन है? सब ठीक है सर। सर आपको निकाह की बहुत बहुत मुबारक हो सर। खैर मुबारक। सर वैसे एक बात है, जब से आपने निकाह किया है मोबाइल में गुम हो गए सर। साहब। हाजिर जनाब। सर बार जमान से आपका इंतजार कर रहे हैं। हमें इसलिए एंगेज किया गया है क्योंकि दुश्मन सामने पहाड़ पर लिस्टिंग पोस्ट बना रहा है। सर मैं आगे जा रहा हूँ। वी हैव टू स्टॉप देम। एक एक मिनट कीमती है सर, दुश्मन के पांव जल्द उखाड़ना होंगे। ओके गो अहेड एंड फारूक बी केयरफुल, आई एम आल्सो सेंडिंग यू सम रीइंफोर्समेंट। राइट सर। गुड लक। हाँ तैयार हो सब? यस सर। सर अब्दुल्ला के कातिलों को नहीं छोड़ना है। दरिया खान। यस सर। ना मैं अब्दुल्ला को भूल सकता हूँ। यस सर। और ना इस पाक जमीन पे ना पाक कदमों को।
मेरा एक ही भाई था, वो भी चला गया। ये वो दुहाई थी जो अब्दुल्ला की बहन ने भाई के लाशे से लिपट कर दी। जो कांधे अब्दुल्ला को घर वापस छोड़ने आए थे, आज उन्हीं कांधों पर अपने नए घर जाने वाली आयशा अब सत भिराई है।